हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला यहाँ पे मुंबई बनाम राजस्थान एंड खेला जाएगा एट द वानखेड़े मुंबई। आईपीएल आ रहा है हमारे घर अब। एंड विन प्रेडिक्शन इस गेम के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ। होम कंडीशंस को थोड़ा बेहतर जानेंगे, बट ऑफ कोर्स फॉर्म दोनों टीम्स की सिमिलर सॉर्ट ऑफ। राजस्थान थोड़ा बेटर फॉर्म में कहूंगा यहाँ पे। सो एन इंटरेस्टिंग गेम इन दी ऑफिंग एंड चलेंगे स्ट्रेट टूवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर। उसके पहले आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो प्रिडिक्शंस है, विन प्रिडिक्शंस, इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यही पहले आपको बता दूंगा कि यहाँ पे है रियल इलेवन पे ओपिनियन ट्रेडिंग ऑप्शन। यहाँ पे आप यस या नो में अपने आंसर्स मार्क कर सकते हैं एंड आपकी जो ओपिनियन है उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं टू विन प्राइजेस। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप साइन अप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टैक्टिकल कॉर्नर। उससे पहले सीरीज लीड बोर्ड ऑलरेडी लाइव हो चुकी है ऑन माई मास्टर इलेवन एंड यहाँ पे आप मल्टीपल टीम्स बना के जीत सकते हो ढेर सारे प्राइजेस, क्योंकि ये है लंबे रेस के घोड़ों के लिए, ना कि एक आध मैच खेलने वालों के लिए। सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डोंट मिस आउट। एंड हियर वी आर एट द टैक्टिकल कॉर्नर, एमआई वर्सेस आरआर। ओपनर्स की बात की जाए तो दोनों टीम की जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक तरफ रोहित किशन, दूसरी तरफ बटलर जयसवाल। मिडिल ऑर्डर भी आरआर का अच्छे खासे फॉर्म में विद सैमसन एंड पराग। एमआई करेंटली येलो है क्योंकि सूर्या वहां पे मिसिंग है, तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस हो जाते हैं विद नमन धीर एंड हार्दिक का भी फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा। वाइल आरआर की आप मिडिल ओवर्स की बॉलिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन आवेश चहल एंड अश्विन, तो हो सकता है कि वहां पे कैपिटलाइज कर पाए आरआर की टीम अगेंस्ट एमआई, स्पेशली अगर तिलक वर्मा वहां पे नहीं चले। तो आपका पहला जीएल सिनेरियो क्या बन जाता है कि टू बैक आरआर मिडिल ओवर्स बॉलिंग अगेंस्ट एम आई मिडिल ऑर्डर बैटिंग। एंड फिर दूसरे सिनेरियो की बात की जाए तो टिम डेविड यहाँ पे आप ग्रीन देख रहे हैं फॉर एम आई फिनिशिंग ऑर्डर, वाइल आरआर की जो डेथ बॉलिंग है थोड़ी सी वीक है। हमें पता है आवेश संदीप कभी अच्छा कभी खराब डालें, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं दिखती हमें इनके साथ। सो टिम डेविड एक और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बनेंगे, जो आप पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। जो नेचुरल लेंथ है टिम डेविड जो आवेश कानन संदीप शर्मा की, वो सीधा टिम डेविड के आंख में आती है। उसके अलावा वन मोर मैचअप फेस टू वॉच आउट फॉर, स्पेशली अगर आपको लग रहा है सैमसन या पराग यहाँ पे जल्दी विकेट फेंकेंगे तो बुमराह क्विडजी आरआर के डेथ बैटिंग के सामने बहुत डेंजरस हो जाएंगे, क्योंकि ना आरआर के पास डेप्थ है उस बैटिंग में और ना ही हेटमायर का फॉर्म कुछ खास। एंड नीचे जो उनके हैं ध्रुव यूरल भी थोड़े से इनएक्सपीरियंस, प्लस हेटमायर के मैचअप भी बुमराह के सामने अच्छे खासे खराब। 3 बार आउट हुए 14 बॉल में सिर्फ 9 रन मार के। तो सम वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप्स, ये गेम मैचअप से भरा हुआ है, तो इंश्योर कि आप प्रीव्यू एंड तक देखें ताकि वो इनसाइट्स आप तक पहुंच पाए। सो ये हुई टैक्टिकल कॉर्नर की बात। रिमेंबर टू जॉइन अस @ फैंटेसी क्रिक ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स अपडेट्स सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगी। एंड अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वेदर रिपोर्ट क्लियर है इस गेम के लिए, सनी तो नहीं होगा जब तक गेम शुरू होगा, वो होगा 5:36 तक, उसके बाद होगी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी। गुड पिच टू बैट ऑन जनरली, यही हमने देखा हमने ईयर ऑन ईयर। एंड यहाँ पे ड्यू बहुत ज्यादा होता है, बॉल स्लिप होती है। चहल अगर सेकंड बॉलिंग करेंगे, चावला अगर सेकंड बॉलिंग करेंगे, बॉल वैसे सीधा जाती है क्योंकि इस पिच पे कुछ ड्राइनेस नहीं होती, प्लस ह्यूमिडिटी की वजह से बॉल ग्रिप करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो शॉर्ट बहुत ज्यादा पिच होती है बॉल फ्रॉम द स्पिनर्स एंड हेंस बाउंड्री हिटिंग काफी आसान। तो ये हुई पिच की बात। अब एक्सपेक्टेड प्लेइंग लेंथ की बात की जाए, अब तक सूर्या ये अवेलेबिलिटी का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि अभी के लिए ही इज नॉट अवेलेबल। वाइल फॉर आरआर में यहाँ पे सिमिलर 11 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नंदरे बर्गर अगेन होने चाहिए वो इंपैक्ट प्लेयर, अनलेस एंड अंटिल वहां पे इनको एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए। तो चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ पहले। एंड जॉस बटलर, अब जॉस बटलर ऑफकोर्स बहुत अच्छे नंबर्स इनके मुंबई के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉरी फॉर दैट एरर, 63 का एवरेज एंड एट मुंबई 30 का एवरेज, तो काफी अच्छे नंबर्स, बट फॉर्म कुछ खास नहीं, मैचअप्स कुछ खास नहीं। मैचअप्स भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट मे बी आप इनपे इस गेम में चांस ले पाओ बेस्ड ऑन फॉर्म एंड बेस्ड ऑन मैचअप्स। प्लस ये कीपिंग भी नहीं कर रहे एट द मोमेंट। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे नंबर्स वर्सेस एमआई, 34 एवरेज एट मुंबई 54 का एवरेज। होम बॉय है, होम ग्राउंड है इनका। ऑफकोर्स बुमराह एंड क्विडजी के सामने टास्क अभी आसान नहीं होने वाला, बट जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं आप चांस इन पे नहीं लेना चाहोगे। संजू सैमसन 32 एवरेज एट मुंबई वर्सेस मुंबई एंड एट मुंबई 36 का एवरेज, तो ठीक ठाक नंबर्स। प्लस हमने एक चीज देखी है विद संजू की, आजकल प्रेफर करते कि पहले 15-20 रन थोड़ा आराम से खेल के जाए। प्लस याद रखिए कि बिग हिटिंग एबिलिटी है ही, प्लस
कीपिंग अपॉर्चुनिटी भी है। सो काफी अच्छा आपको वैल्यू मिल जाएगा इनसे ओवरऑल, एनहेंस बेस टीम में बिल्कुल जगह मिल जाएगी इन्हें भी। रियान पराग ठीक ठाक प्लेयर हैं वर्सेस बुमराह एंड क्विंटी विल बी अ बिग थ्रेट फॉर हिम, बट स्पिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मिडल ओवर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए अ प्लेयर वर्थ कंसिडरिंग इन दिस गेम। सिमरन हेटमायर फॉर्म खराब, अपॉर्चुनिटी उतनी कुछ खास नहीं मिलेगी वर्सेस एम आई एंड एट मुंबई में नंबर्स कुछ खास नहीं, तो जीएल में एक दो टीम के अलावा आप एटलीस्ट बेस टीम में तो इन्हें नहीं ट्राई करेंगे इस मुकाबले में। ध्रुव यूरेल के लिए भी सिमिलर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ मैचअप्स, ऑफ कोर्स मैचअप्स से मैं ये नहीं कह रहा कि पहले एक्स वाई जेड बॉलर को आउट हुए, बट जिस तरीके के बॉलर सामने हैं थोड़ी सी मुश्किल आए थे इन्हें, हो सकती है ऑफ कोर्स आप जीएल में इन्हें ट्राई कर सकते हैं। रवि अश्विन वर्सेस एमआई 34 मैचेस 28 विकेट, सनैट मुंबई 19 मैचेस 15 विकेट, सो डिसेंट प्लेयर टू ट्राई आउट इन अ फ्यू टीम्स। रोहित के सामने एक इंटरेस्टिंग मैचअप, उसकी बात हम करेंगे बिल्कुल आगे। आवेश खान 3 मैचेस 8 विकेट वर्सेस मुंबई एंड एट मुंबई 5 मैचेस 9 विकेट, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स, एंड रोहित को भी थोड़ा परेशान किया इन्होंने पहले, तो आप बिल्कुल इन्हें मन में रखिएगा, स्पेशली जब ये सेकंड बॉलिंग करते हैं तब ये भर के वहां विकेट्स ले सकते हैं। संदीप शर्मा ठीक ठाक पे रहे हैं, आप ये ज्यादा डेथ में डालते हैं तो उस हिसाब से आपको वहां कुछ वैल्यू मिल सकती है, बस प्रॉब्लम क्या है इस तरीके के बॉलर है कि फुल वो यॉर्कर लेंथ टारगेट करने की कोशिश करते हैं, एंड जब आप यॉर्कर डालते हैं बैटर के लिए वो लॉफ्ट करने की एबिलिटी चली जाती है, जिसका ये भी मतलब है कि विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती है विद दोस वाइड यॉर्कर्स, तो इस बात का ध्यान रखिए। ट्रेंट बोल्ट ऑफ कोर्स क्वालिटी पेसर, 3 ओवर्स तो ये डालेंगे पावर प्ले में, मे बी चौथा ओवर भी ये डेथ के पहले ही कर जाए, क्योंकि हमें पता है डेथ में कुछ तकलीफ है इन्हें होती है। लेफ्ट आर्म पेसर है तो वर्सेज इंडियन बैटिंग ऑफ कोर्स एक कंसर्न रहेगा फॉर द इंडियन बैटर्स। 10 मैचेस 10 विकेट वर्सेज एमआई एंड एट मुंबई 9 मैचेस 9 विकेट, तो ठीक ठाक नंबर्स। अगर ये कहा जाता है कि फ्रेश पिच एंड फर्स्ट गेम इन द सिटी सो मे बी सम मूवमेंट, तब ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। युजवेंद्र चहल ऑफकोर्स अच्छे नंबर्स वर्सेज एमआई 18 मैचेस 25 विकेट एंड एट मुंबई 12 मैचेस 16 विकेट, आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि ऑफकोर्स एमआई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग स्पिन बोलिंग, बट अच्छा किया इनके सामने। अगर आपको पता नहीं हो तो अपना जो करियर है आईपीएल का यहीं पर स्टार्ट किया था इन्होंने, कुछ खासा नहीं खेला इसलिए लोगों को याद नहीं, बट हाँ यहीं पर स्टार्ट किया तो कंडीशन को अच्छे से जानते हैं, वैसे सेकेंड बॉलिंग में बहुत अच्छा करते हैं, बट यहाँ ड्यू एक कंसर्न पॉइंट रह सकता है, बट ऑल इन ऑल एक ठीक ठाक पिक जा सकते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है माई मास्ट 11, कैसे जीत सकते हो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, जैसे आप ज्यादा लीग ज्वाइन करोगे वैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी एंड लाइव रैंकिंग्स आपको दिखेंगे ऑन दी ऐप, सो रिमेंबर टू ज्वाइन राइट अवे, ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस गिव अवे है इस गेम में, सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस। अब चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ एंड समझते हैं कौन होंगे इनके की प्लेयर्स। रोहित शर्मा 71 मैचेस यहाँ पे एट मुंबई एंड 2020 एंड वर्सेस आरआर 28 मैचेस 618 रन 22 की एवरेज, तो एवरेज कुछ खास नहीं यहाँ पे, एंड इनके सामने होगा बोल्ट का थ्रेट एंड आवेश खान के सामने भी नंबर्स कुछ खास नहीं, सो लेट्स सी कि कैसा जाता है इनका दिन। अश्विन के सामने भी कुछ बार ये पहले आउट हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, ईशान किशन 9 मैचेस 270 रन 33 की एवरेज, तो ठीक ठाक नंबर्स एंड एट मुंबई एवरेज सिर्फ 23 का, बट क्योंकि कीपिंग वैल्यू देंगे 20-30 रन अगर दे रहे हैं तो ओवरऑल आपको वहां पे वैल्यू मिल जाती है। फिर बात करें नमन धीर की यहाँ पे, तो अच्छे लगे इन द लास्ट फ्यू गेम्स, बट ऑफकोर्स इनएक्सपीरियंस है थोड़े से, एंड क्योंकि आपके पास इतने हाई प्रोफाइल बैटर्स हैं इन्हें बेस टीम में लेना मुश्किल होगा, बट जीएल में बिल्कुल इन्हें रोटेट करेगा। तिलक वर्मा के पहले डेविड ब्रूस यहाँ पे वर्सेस आरआर नहीं खेले मुंबई में 2 मैचेस में अब तक है, 40 रन्स डेफिनेटली अ पिक वर्थ कंसिडरिंग इन योर बेस टीम। तिलक वर्मा 3 मैचेस 125 रन्स, बहुत अच्छा एवरेज वर्सेस आरआर एंड एट मुंबई 31 की एवरेज, सो अगेन डेफिनेटली रियली गुड प्लेयर, प्लस कुछ ऑफ स्पिन ओवर्स आपको डाल के दे सकते हैं, सामने स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं एंड आई थिंक मिडल ऑर्डर काफी हद तक इन पे ही डिपेंडेंट रहेगी। हार्दिक पांड्या वर्सेज आर आर 12 मैचेस 414 रन एंड 12 विकेट्स एंड एट मुंबई 570 रन 23 विकेट्स, ऑफकोर्स बहुत खेल चुके हैं पहले मुंबई पे एंड अब आएंगे यहाँ इस कैप्टन, लेट्स सी किस तरीके का वेलकम होता है इनका यहाँ पे। टिम डेविड अगर आपको याद है जेसन होल्डर को लास्ट ईयर बहुत मारा था इन्होंने, 3 सिक्सेस मारे थे, एक बहुत ही क्लासिकल फिनिश वहां पे दी थी इनकी टीम को,
एंड उसके अलावा एट मुंबई भी ठीक ठाक किया इन्होंने, 45 का एवरेज है, 226 रन एट अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट, लॉट ऑफ बाउंड्री बोनस पॉइंट्स एज यू कैन एक्सपेक्ट विद टिम डेविड। शम्स मुलानी डिसिप्लिन स्पिनर है, अगर स्लो पिच है तो आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं, एल्स इनके ओवर्स प्लस कितना एंड क्या कहाँ डालेंगे वो एक बहुत बड़ा डाउट है। मे बी आकाश मधवाल के साथ रिप्लेस भी हो जाए इस गेम में। पीयूष चावला 20 मैचेस 23 विकेट्स वर्सेस आरआर एंड एट मुंबई 14 मैचेस 12 विकेट्स, तो ठीक ठाक नंबर्स इनके। अगर ड्यू नहीं है खासा तो इन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं उस सिनेरियो में। जेरल क्विटजिया रियली गुड पेसर, फर्स्ट मैच फॉर हिम हियर इन दी आईपीएल एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम हिम, डेफिनेटली मेरी बेस टीम में रहेंगे चाहे ये पहले बॉलिंग करें या सेकेंड। जसप्रीत बुमराह 12 मैचेस 17 विकेट्स एंड एट मुंबई 36 मैचेस 39 विकेट्स एंड बहुत सारे अच्छे मैचअप्स इनके इस मुकाबले में, सो कुछ नथिंग मच फॉर यू टू कंसिडर, आपकी बेस टीम में बिल्कुल इन्हें जगह मिल जाएगी। एक्सचेंज 22 पे लीडर बोर्ड चल रहा है, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट, आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड अब चलते हैं मैचअप्स की तरफ, वर्सेस रोहित शर्मा अश्विन, 110 रन 120 बॉल एंड 3 बार आउट हो चुके हैं रोहित शर्मा अश्विन को, हार्दिक आउट हुए हैं चहल को 3 बार इन हाफ द डिलीवरीज, वाइल जॉस बटलर ने बुमराह को 2 बार आउट किया है, राधर बुमराह ने जॉस बटलर को 2 बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट यहाँ भी कुछ खास नहीं, हार्दिक भी आउट हुए हैं आवेश खान को 2 बार एंड इस गेम में बहुत सारे मैचअप्स है, 10+ मैचअप्स है, बट ये मुझे लगा 3 की मैचअप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये जो फेजेस में बॉलिंग करेंगे वही फेजेस में ये बैटर्स बैटिंग करेंगे, हेंस ये है मेरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचअप। उसके अलावा रोहित भी आवेश के सामने आउट हुआ है, हेटमायर भी स्ट्रगल किया बुमराह के सामने, काफी मैचअप्स है इस गेम में बट ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वंस। अब चलते हैं आज की टीम, तो कीपिंग सेक्शन की बात की जाए अभी के लिए मेरे हिसाब से एक ही लॉक पिक है, वो संजू सैमसन। किशन और बटलर दोनों थोड़े से कंसर्निंग इन टर्म्स ऑफ सामने जो बॉलर्स हैं जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, स्पेशली बटलर। बैटिंग सेक्शन में से मेरे लॉक पिक होंगे यहाँ पे यशस्वी जायसवाल, ऑफकोर्स रियली गुड प्लेयर, तिलक वर्मा भी आएंगे स्पिन के सामने तो वहां अच्छा करेंगे उस फेज में। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या विल बी माई लॉक पिक, उसके अलावा कोई भी आप लॉक पिक नहीं कह सकते यहाँ से, रियान पराग ठीक ठाक प्लेयर, वाइल बॉलिंग सेक्शन में बुमराह बोल्ट एंड क्वर्टजी ये होंगे मेरे लॉक पिक्स। तो ये जो 7 प्लेयर्स हैं मेरी जो जीएलटी में इनके अराउंड घूमेगी, स्पेशली तिलक वर्मा को हटाएं तो बाकी के 6 प्लेयर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप बाकी प्लेयर्स कैसे फिट इन करेंगे एंड क्या स्लॉट्स में, बटलर क्योंकि थोड़ा आराम से खेलते हैं एट द स्टार्ट एंड अगर खेल के निकाल लिया बुमराह को तो दूसरे बॉलर्स के सामने बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो हमने एवरेज से भी इनका देखा है एट दिस ग्राउंड। किशन से क्योंकि आपको दोनों डिपार्टमेंट से वैल्यू मिलती है तो आप बेस टीम में ने नहीं छोड़ोगे। रोहित शर्मा वाइल इनका बोल्ट एंड आवेश के सामने, बोल्ट आवेश एंड अश्विन तीनों के सामने कंसर्न है क्योंकि एवरेज अच्छा है, ये इनका होम ग्राउंड है, ऑफकोर्स यहाँ अच्छा कर सकते हैं तो वो हिसाब से आप इन्हें बेस टीम में लेके जाएंगे। एंड बाकी चले बोलर सेक्शन की तरफ तो बर्गर अगर पहले बोलिंग करते तो मैं उनके साथ जाऊंगा, एल्स वन बिटवीन आवेश और चहल, तो अभी के लिए बेस्ड ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे मैं आवेश के साथ जा रहा हूँ। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो अब तक जो सबसे आपके सेफेस्ट चॉइस है वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि आपको 2, 3 या 4 ओवर करके देंगे प्लस मिडल ओवर्स में बैटिंग, तो 20 रन एंड 1-2 विकेट तो आपका काम वहीं पे हो जाता है। वाइल वाइस कैप्टनसी में अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन, वाइल बुमराह भी एकदम टॉप एक्सेलेंट चॉइस है। तो ये रहा हमारा आज की टीम, अब चलते हैं आज के ग्रैंड लीग, तो लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक आवेश नॉट ओनली मैचअप बेस्ड बट ऑल्सो डेटा बेस्ड, हाई सिलेक्ट ड्रॉपलेस बॉम्ब रोहित एंड बटलर दोनों मैच मैचअप बेस्ड प्लस फॉर्म बेस्ड, अगर नहीं देखा आपने प्लेयर कार्ड तो जाके वहां आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ग्रैंड लीग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड चहल एंड संजू, बैटिंग सेकंड बॉलिंग फर्स्ट बोल्ट एंड क्विटजी एंड दोनों सिचुएशंस में बुमराह एंड हार्दिक होंगे अच्छी चॉइसेस। तो ये रहा हमारा आज के ऑप्शंस, आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आया हो। रिमेंबर टू जॉइन अस @FantasyCricket ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर ऑल द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए।